ये भैया क्रोम फिनिश में हमने गार्निश लगा के दे दी है। अगेन जेन्युइन पार्ट्स पे 50% का ऑफ है अपने पास, जो भी आई गाड़ी आएगी 50% ऑफ रहेगा। ग्लॉसी ब्लैक पैनल भैया का लगा दिया है। साथ में जो गाड़ी में काम हमारे स्टीयरिंग कवर पे रहने वाला, जो कि आप देख लो भैया मून डिजाइन का स्टीयरिंग और सिलाई किया गया है प्रॉपर। साथ में एक वेलकम प्लेट पे काम होता जो कि ग्रैंड विटारा की बैजिंग के साथ मिलने वाली। गाड़ी में प्रॉपरली 10 शीट की डैम्पिंग हुई है। आगे में लगा भैया रेफरेंस कंपोनेंट, पीछे में लगा रेफरेंस क्विक्सेल, साथ में एक JBL का एम्पलीफायर लगाया गया है। ट्यूटर को प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ लगाया गया है ट्यूटर सेट के अंदर। बाकी गाड़ी में प्रॉपरली भी एक फ्लोडिंग की गई है, साथ में ग्रास मैट पे काम हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये जो गाड़ी रहने वाली है वो ग्रैंड विटारा रहेगी। अपने इस गाड़ी के बेस मॉडल से ऊपर वाला मॉडल रहने वाला है। इस गाड़ी में जो काम होगा, सबसे पहले तो देख लो आप, हेडलाइट पे प्रोजेक्टर में लगाएंगे 250 वॉट की LED। अगेन इसमें 250 वॉट की जिमर लगाएंगे जिसके 18 महीने की वारंटी रहने वाली है। ये भैया क्रोम फिनिश में हमने गार्निश लगा के दे दी है। अगेन जेन्युइन पार्ट्स पे 50% का ऑफ है अपने पास, जो भी आई गाड़ी आएगी 50% ऑफ रहेगा। अब आते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ। तो गाड़ी के अंदर देखो पूरा गाड़ी खुली हुई है, पूरा गाड़ी खुल चुका है। सबसे पहले गाड़ी में 10 शीट की डैम्पिंग हुई है, आप देख लो अंदर से उसमें लगाया मॉडल लगाया, बाहर से विरो मैट की डैम्पिंग हुई है। प्रॉपर 10 शीट्स की डैम्पिंग रहने वाली है। दरवाजे के अंदर दरवाजा खासी भारी हो चुका है। ये देख लो दरवाजे का इंपैक्ट, ये नॉन डैम्पिंग इंपैक्ट रहने वाला है। साथ में इसके सीट को भी वर्किंग हुई, भैया अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा रहे हैं, सीट को बनेगा। इस स्टीयरिंग का भी सिलाई होगी। ग्लॉसी ब्लैक पैनल भैया का लगा दिया है, ये वाला पार्ट हमने लगा दिया, देख लो आप। एक दूसरा पार्ट ये रहेगा और एक तीसरा पार्ट ये रहेगा, तीन और एक चौथा पार्ट वो रहेगा, चार पार्ट ग्लॉसी किट हमने लगा दिया है। यहाँ पे ये वाला पार्ट नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे कस्टमाइज करवा, अपने हिसाब से कस्टमाइज करवाएंगे, तो इसलिए छोड़ दिया है। पूरे दरवाजे भी कस्टमाइज होगा। आगे हम लगाएंगे रेफरेंस कंपोनेंट, पीछे में लगाएंगे रेफरेंस क्विक्सेल, एक एम्पलीफायर लगेगा JBL का प्रॉपरली। साथ में बैक साइड से आप देखोगे तो इसकी सीटें कट कट के रख दी है। अभी यहाँ पे सीट को भैया बनवा रहे हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा रहे हैं। बकेट के लिए आपको पता है ये सब सिलाई यहाँ से कट जाती है। ये सीट कट के अभी फुल बकेट बन के लगेगा गाड़ी के अंदर। एक बार ये गाड़ी भी कंप्लीट होती है फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम हुआ था इस गाड़ी के अंदर। प्रॉपरली A1 काम होगा इस गाड़ी के अंदर। भैया अपनी ग्रैंड विटारा का सारा काम जो है कंप्लीट हो चुका है। फ्रंट पार्ट में जो काम किया था, सबसे पहले तो हेडलाइट में लगाते 130 वॉट की LED, जिसका रिस्पॉन्स आप देख लो ये रहने वाला है। ये देखो भैया सामने हाई बीम और लो बीम का डिफरेंस क्या रहेगा, सामने एक बार आपको दिखेगा गाड़ी के लाइट का रिस्पॉन्स क्या रहेगा। A1 लाइट रहेगा भैया, इसकी 2 साल की वारंटी रहने वाली अपनी LED की। साथ में जो फ्रंट पे काम होता हमारी स्मोक ब्लैक गार्निश पे रहने वाला है। इसकी फिनिशिंग आप देख लो, जेन्युइन पार्ट रहता है, इसके 50% ऑफ रहता है अपने पास। साथ में फ्रंट से यही काम हुआ अभी गाड़ी के अंदर। अब मैं चलता हूँ गाड़ी के अंदर, जो मेन काम हुआ गाड़ी के अंदर की तरफ। भैया आप गाड़ी के अंदर आते, सबसे पहले गाड़ी में जो काम हुआ इसका सीट का भी हुआ, कस्टमाइज सीट को बनवाया। इसकी फिनिशिंग देख लो, फुल बकेट सीट को रहने वाला है जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी रहेगी। मैंने हैंड टू हैंड मेड कस्टमाइज करवाया। अगेन जो लेदर होगा इंपोर्टेड लेदर होता है। यहाँ पे बर्फी कॉफी, साथ में ब्लैक का शेड कस्टमाइज करवाया है। साथ में आप साइड पैनल के दरवाजे की फिनिशिंग देख लो, नीचे जो पोर्शन है यहाँ पे ब्लैक रैपिंग हुआ है, ऊपर हमने कॉफी का डिजाइनिंग करवाया, साथ में बर्फी करवाया पूरे दरवाजे में। मैंने सारा पूरा पूरा पैनल रैप हुआ है। साथ में मैं बात करूँ डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड का ये वाला हिस्सा भी रैप हुआ है, ये वाला हिस्सा भी रैप हुआ है, ये वाला हिस्सा भी रैप हुआ है, ये वाला हिस्सा भी और ये वाला हिस्सा भी रैप हुआ है। पूरा डैशबोर्ड रैप हुआ है बेसिकली। साथ में इसका जो इंटीरियर किट है ये हमने लगाया, जेन्युइन पार्ट लगाया इसके अंदर, ये वाला पार्ट भी जेन्युइन मारुति का पार्ट रहने वाला है। साथ में जो गाड़ी में काम हमारे स्टीयरिंग कवर पे रहने वाला, जो कि आप देख लो भैया मून डिजाइन का स्टीयरिंग और सिलाई किया गया है प्रॉपर। इसकी फिनिशिंग देख लो, फिट एंड फिनिश प्रॉपर A1 क्वालिटी रहने वाला है। साथ में एक वेलकम प्लेट पे काम होता जो कि ग्रैंड विटारा की बैजिंग के साथ मिलने वाली है। ये ब्लैक होता है, इसके ऊपर पन्नी लगा हुआ है, पन्नी हटके प्रॉपर दिखेगा आपको, ये रहेगा ग्रैंड विटारा का। गाड़ी में प्रॉपरली 10 शीट की डैम्पिंग हुई है। आगे में लगा भैया रेफरेंस कंपोनेंट, पीछे में लगा रेफरेंस क्विक्सेल, साथ में एक JBL का एम्पलीफायर लगाया गया है। आपने पहले भी इसका साउंड मैंने सुनाया कई गाड़ी के अंदर, तो इसलिए इस वीडियो में हम स्किप करेंगे साउंड सुनाना, लेकिन साउंड पे एक अच्छा खासा बजट गया भैया का। रीजन बिंग भैया डैम्पिंग हुई है 10 शीट प्रॉपर मॉडल के, साथ में JBL का हमने लगाया इसके अंदर, नीचे सीट के नीचे प्रॉपर प्लेसमेंट की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे बैक साइड में तो एक एम्पलीफायर लगाया 4 चैनल का, 704 नंबर लगाया है। बहुत A1 क्वालिटी आते हैं स्पीकर्स के लिए। आगे रेफरेंस कंपोनेंट, पीछे रेफरेंस क्विक्सेल, बाकी बैक साइड से आप सीट को भी फिनिशिंग देख लो, ये फिट एंड फिनिश रहने वाले बैक साइड से, A1 क्वालिटी रहने वाली है बैक साइड से। साथ में एक ट्यूटर सेश की भी प्लेसमेंट की गई थी, आगे हमने ट्यूटर को प्रॉपर प्लेसमेंट के साथ लगाया गया ट्यूटर सेश के अंदर। बाकी गाड़ी के अंदर प्रॉपरली भी एक फ्लोडिंग की गई है, साथ में ग्रास मैट पे काम हुआ है, ये रहेगा इसकी ग्रास मैट और फ्लोरिंग की फिनिशिंग। साथ में गेयर नो भैया को गिफ्ट दिया गया, इसमें कोई चार्ज नहीं देते हम लोग। इसी के साथ चलते हैं हम कस्टमर का रिव्यू लेने के लिए, चलते आइए। बाकी गाड़ी के हमारे जो भैया ऑनर थे, भैया क्या नाम अपना? रजत। कहाँ से आए थे भैया? गुड़गांव से। भैया हमारे पुराने कस्टमर है, बहुत दोस्त के भाई, मतलब फ्रेंड ही है। भैया कितना खर्चा आ गया इस कार के अंदर? भैया अराउंड 80 के आ गया, बट काम वाज ग्रेट। टाइम तो बहुत लग गया, काफी ज्यादा लग गया, बट ठीक है, जेन्युइन चीज लगती है, अच्छा काम होता है तो लगता है कि भाई बहुत अच्छा था। ठीक है, टाइम का चलता है, अगर आप काम ऐसा करो तो भाई टाइम देना पड़ता है। रिस्पॉन्स ठीक रहा भैया, बहुत ज्यादा अच्छा। भाई टाइम लगने का रीजन ये था, भैया ने सीट कवर साइड पैनल हर चीज खुद ही कस्टमाइज कराया अपने खुद पसंद से, इसलिए टाइम लगा और
7-8 घंटे लगते हैं इस काम के अंदर। बाकी भैया ओवरऑल रिव्यू जो भी था अपना भैया ग्रेट, आपको आना चाहिए। बल्कि मैं कह रहा हूँ जो हमें नेक्सा के जो ओरिजिनल मिलते हैं उससे ज़्यादा बेटर काम किए हैं लोगों ने, हर चीज़ में, सीट कवर हो गए, इंटीरियर हो गया, सब चीज़ में उससे ज़्यादा बेटर। ये आपने भैया कस्टमर का फीडबैक दे दिया। बाकी एक चीज़ में बताना भूल गया था आप लोगों को, फुटरेस रहेगा प्रॉपर ग्रैंड विटारा का फुटरेस रहने वाला। आप ये देख लो प्रॉपर ग्रैंड विटारा की बैजिंग मिलेगी, ABS के अंदर फुटरेस रहेगा, आप इसमें चल के देख लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। साथ में अलॉय पे वर्किंग हुई है, मैंने अलॉय लगवाई JK के टायर के साथ, प्रॉपर आपके रहने वाला 18 इंच के टायर के अंदर प्रॉपर। ये देख लो आप अलॉय व्हील्स, ये सारा काम अपने वन स्टॉप शॉप तिवारी का डेकोर पे। किसी भाई को अगर अपनी ग्रैंड विटारा में काम कराने तो आप हमारे पास आ सकते हैं, जो कि करोल बाग में रहता है अपना एड्रेस। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर तो नीचे फ्लैश हो ही रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉच, कीप सब्सक्राइब।